हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। यहाँ से हमारा चैप्टर 3 शुरू होता है ब्लैक मिथ वुकोंग का, जहाँ पर हमारा जो एक प्रोटैगनिस्ट है वो सैन वुकोंग की तीसरी शक्ति को, जो चाइना के किसी और कोने में मौजूद है, उसको ढूंढने निकल पड़ा है। तो हम जैसे देख पा रहे हैं वाइट स्नो या आइस कोल्ड, इट मीन्स हमारा जो प्लेयर है वो जाने वाला है बर्फ बर्फीले मैदान में, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा बर्फ मिलने वाली है। तो इस बर्फीले मैदान में मुझे बहुत सारी बुद्धा की मूर्ति दिखाई दे रही है, जहां पर अलग अलग तरह के इनके कभी, और एक छोटा सा बच्चा अपने पेट को खुजाता हुआ। ये कौन है यार, इसके कान भी बड़े मोटे मोटे हैं नीचे से। ऐसा लग रहा है ये सब पत्थर में बदल दिए गए हैं, या फिर जिसने भी इनको बनाया है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति हैं ये। ओके, ये तो कुबेर टाइप का जो हमारे यहाँ होता है, कुबेर की मूर्ति उसमें बदल चुका है पत्थर में, क्योंकि कोई एक निकल के गया यहाँ से। ओ भाई साहब, ये कौन है? अरे ये तो हमारा बंदर है। ठीक है, तो हम आ गए हैं तीसरे क्षेत्र में, जो बर्फीला मैदान है। यहाँ पे हमें सैन वुकोंग की तीसरी खोई हुई शक्ति को ढूंढना है। अरे भाई, अबे इतने मतलब पावरफुल मिलेंगे यहाँ पे? ये तो बहुत देर में मरा, क्योंकि पहला ही बंदा था। और अगर ये यहाँ पे बेस वेरिएंट एनिमी है। एक मिनट, वो बच्चा कहाँ है? तो ये बच्चा तो मूर्ति में बदल गया यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह की यहाँ मूर्तियां हैं, मुझे लग रहा है ये बुद्धा का एरिया होने वाला है। यहाँ पे हमें काफी सारी बुद्धा की मूर्तियां मिलने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा आवाज आ रही जैसे कोई बच्चा। ओ ये देखो साले चूहे। उड़ने वाले चूहे, हरामखोर। लग रहा है तूफान आने वाला है। साला उड़ उड़ के मार रहे हैं। तो स्नो हिल पाथ यहां से शुरू होता है हमारा। एक मिनट, इधर कुछ ये रोशनी कहीं मुझे लेके जाना चाहती है। अपने बालों से अगरबत्ती किसने बनाई आज तक? वेपन को क्राफ्ट कर लेते हैं मेरे पास, मुझे लग रहा है। ओके, मेरे क्या कमी है?
आयरन सैंड की कमी है मेरे पास, इसको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए जो इसको बना सकता हूँ। आर्मर भी बना सकते हैं हम, आर्मर बना लेते हैं क्योंकि आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। डिफेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मुझे चोट कम लगेगी। इनसफिशियंट मटेरियल्स, नो मना फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और पॉइजन रेजिस्टेंस यार ये ले लेते हैं क्योंकि मुझे मैना की जरूरत पड़ती है। अपनी स्पेल्स के लिए जो मैं जादू करता हूँ, तो आगे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं जो फिलहाल स्टेचू बने हुए हैं। ये स्टेचू हैं या फिर राक्षस, आई डोंट नो। कोई भी हमला कर सकता है इनमें से। ओ भाई ये कौन है, बंदर चिंपैंजी लग रहा है। अबे इसने तो बुड्ढा एक्टिवेट कर दिया, नहीं छोड़ूंगा। आजा चचा, चल मर गया। ओए नहीं मरा, ये साला बुड्ढा मरता मरता मतलब मार के जा रहा था। ओके, आगे वाला बंदा है जो मार सकता है, बाकी सारे स्टैचू हैं। तेरी एक और आगे, डाल साले को। ये रहा वो बंदर, तो ये चीफ है, मैक्वाक्वे चीफ। ओबे तलवार ले रहा है तो भाई, तेरी भैंस का। आजा, ओ भाई साहब, शिट। ओबे यार
और ये मर चुका है। बंदर के मरते किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ तो ये पहाड़ों पे इन्होंने मंदिर बना रखे अपने रहने वहने की जगह। ऊपर एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, तो शायद आगे ही बढ़ना है। मेरे पास स्पेल्स हैं, मैं उनको एक बार यूज कर लेता हूँ। ये मेरी ताकत है, मैं इनको भी अपना, ये बुढ़े को ही रहने देते हैं अभी। ओके 10 है मेरे पास में। साथ ये क्रिटिकल हिट चांस को इंक्रीज करेगा और ये डिफेंस को इंक्रीज करेगा। कि सब खत्म हो गया है। ओके ये जो है चूहा, चूहे के हंसने की आवाज आ रही थी। ओके गाइस आगे भी एक कोई तीर कमान लेके बैठा हुआ है और यहाँ दो हैं, एक छत पे और एक ऐसे है। पहला हमला जोरदार होना चाहिए। क्या तीर यार, आजा भाई तू भी। नाइस, तो इधर रास्ता बंद है। एक सीढ़ियां देखी थी मैंने जो ऊपर की तरफ जा रही थी स्टार्टिंग में। एक और बंदा, ओए ओ चचा आजा। तो अभी जिस बंदे को मैं नीचे मार गया हूं मुझे फिर से यहां मिल गया है। इसको मारने के लिए मुझे फिर से अरे छड़ी काट दी मेरी। एक और चाचा जान, कटल। ओके और भी यहाँ आगे और इस तरफ भी है एक एरिया, तो पहले इधर चलते हैं।
ओ भाई, संभलने का मौका ही नहीं देता है तो। इसको भी खोपचे में फंसाते हैं। दिख गया, ओ चक्कर फेंक रहा है। आ जा इधर ही, आ जा। नहीं, इसने सबको जगा दिया। क्या है साले, मार दिया मार दिया मार दिया। क्या तेरी पैसा, ए मेरी हेल्प करो। अबे कहाँ गया? साला एक साथ इतने सारे लोग हमला करेंगे तो बेचारा बचेगा कैसे? जैसा कि मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियो में, ये गेम जो है बहुत हार्ड होता है। आपको हर एक स्टेज को समझने के लिए, अच्छा ये तो बहुत पीछे से आया यार। यहाँ पे जहाँ हमें वो बंदर दिखाई दिया था, शायद इस बार नहीं दिखाई दिया वो बंदर। ओके, जिस बॉस को हमने मार दिया वो दोबारा बॉस नहीं मिलता। वैसे यहाँ पे भी एक गेम सेव करने का ऑप्शन होना चाहिए था। ये भाई साहब फिर भी यहाँ है। यहाँ पे भी एक है,
गैस को। मारो इनको। एक तो गया, बचे ये दो। ये भी गया। बस थोड़ा सा सही तालमेल और आप इस गेम में इस दुश्मन को हरा सकते हैं। आंखें खुली रखनी है। ओके, इधर ये बंद है यार, लेकिन एक खजाना मिला है। तो वो जो दूसरी तरफ का एरिया जो खाली पड़ा था, मुझे लग रहा है उसी जगह जाना है मुझे। एक तो इस गेम में मैप नहीं है और मार्किंग नहीं है मेन ऑब्जेक्टिव की, कि आपको किस तरफ जाना है। आपको खुद ही एक्सप्लोर करना होता है कि सारे एरिया को। आई होप यहाँ पे गेम सेव करने का ऑप्शन मिले, क्योंकि काफी आगे आ गया हूँ मैं। Faith and devotion, quite the notion. Yet how many can claim a mind so pure? एक पंछी बोल रहा है। And sure, look at you, through the heavy snow you roam, desiring that thing. No doubt. पक्षी कह रहा है कि तू उस चीज की तलाश में बहुत दूर आ गया है। Care to hear? Act not and be still. Thy gifts are thy ill. If you seek your own end, I shall not stop you. कह रहा मैं तुझे नहीं रुकूंगा अगर तुझे मरना ही है। The keeper of the new west, welcome the और मैं तेरा वेलकम करता हूँ इस लोकेशन पर। और अब उड़ मेरे साथ। ओबे, इसने इसको चमगादड़ में बदल दिया। ये बंदा जो था ये यहाँ का कीपर है, मतलब ये कीपर एक तरह से केयर टेकर टाइप होता है। तो ये बादलों में उड़ाता हुआ इसको, मतलब पहाड़ों के बीच में से पता नहीं कहाँ ले जा रहा। वैसे नीचे चल के जाने का रास्ता भी है। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो आ सकता हूँ, क्योंकि ये घाटी के रास्ते से होता हुआ। ओके, मैं वापस बंदर बन गया। See that temple on the lake? Therein lies the thing you seek. The lord of this land is away. Seize it now and leave. कह रहा है जो लेक में जो तुझे चीज दिखाई दे रही है, घर दिखाई दे रहा है, वहां तुझे वो चीज मिलेगी जो तू ढूंढ रहा है। वो लेक के अंदर तो बाहर, अंदर तो मुझे घर दिखाई दे रहा है। अरे वाह, गेम सेव। ओके, तो मुझे यहाँ यार एक बार स्पेल को सेट करना है। ये पत्थर वाली, आई नीड दिस वन।
ओके, इस बुड्ढे ने बताया था, ओ सॉरी, वो पंछी ने बताया कि सामने वाले घर में तुझे वो मिलेगा जो तू ढूंढ रहा है। वैसे ये बहुत बड़ा खुला एरिया यार। और उधर पत्थर बने हुए आदमी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। पहले सामने चलते हैं, क्योंकि सामने जाने के बाद मुझे लग रहा है वापस आना पड़ेगा। मुझे इस इतनी बड़ी लोकेशन पर पक्का कोई ना कोई बॉस फाइट होगी। ओ भाई, नीचे कुछ कोई घूम रहा है। बर्फ के नीचे कोई है या मछली है कोई या मगरमच्छ, आई डोंट नो। लेकिन वो जो भी है, लावा है उसके पास, वो आग ले रहा है नीचे। How delightful. अरे वो बच्चा आ गया। It still recalls your scent. When that monkey was alive, जब वो बंदर जिंदा था, weeping and begging for help. वो रो रहा था और मदद के लिए भीख मांग रहा था। लेकिन जब वो मरा तो उसने मुझे तुझे मेरे सामने भेज दिया। Kang Jinglong, now that you are ready, go and weigh up this one for your master. यारा जो इसके अंदर जो है उसको बोल रहा है कि जा, तेरी बारी आ गई है। तो इसने तो बच्चा खतरनाक निकल रहा भाई। इसने तो सांप को बंदर को मारने के लिए भेज दिया है। लेकिन बंदर का एटीट्यूड देख रहे हो। अबे घर गायब हो गया। ये सांप उस पोटली में फिट कैसे हो गया भाई? आजा मर साले को। यार हद कर रहा है, आजा। ओके, ये बिजली से हमला करता है। मारा हराम फोर ने मारा। ओ शिट, तरीके से लड़ना पड़ेगा इससे। मारा, चल तेरी भैंस का। सही टाइम पे यूज किया मैंने अपनी स्किल का। हेल्थ, कम ऑन। ओए फिर से आएगा, फिर से आएगा। आजा, तुझे स्टैचू बनाऊंगा। ओए
आएगा फिर से। ओ भाई साहब मेरी इसकी एक स्पेल खराब कर दी इसने। पकड़ लिया। इसको मारना आसान नहीं होगा भाई। मार दिया। इसको फिर से मारते हैं। मुझे लेकिन कुछ दिखाई दे गया, ये शायद मेडिटेशन पॉइंट है। उधर वो सांप घूम रहा है, इधर ये मेडिटेट कर रहा है। जहरीले वे पहली बार में इस अबे आधी पावर कर दी इसने। आएगा फिर से आएगा। ओ हो कम ऑन। बस जब कुछ नहीं आता इस पर बिजली छोड़ना शुरू करता है हरामखोर। आएगा अच्छा ओए से अबे बस इस पर कुछ नहीं आता, पकड़ लेगा स्कोर उठा के ले जाएगा।
पत्थर बनने के फायदे ये हैं कि जब ये मारता है तो मुझे असर नहीं होता एकदम से। दिल लगा मार मार। ओ भाई इसको सांप का पिछवाड़ा लाल कर दिया। एंड टाइम पे छड़ी पे खड़ा हो गया बंदर लास्ट वाले में। अबे पानी में गिर के ये क्या हो रहा है, इसको डर क्यों रहा है। You have chosen your way. This time, there will be no easy way. बंदर कह रहा तूने अपना जो रास्ता चुना बहुत गलत है, वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तू मरेगा यहाँ पे। वो बर्फ का टुकड़ा जब टूटा तो बंदर पानी में गिर गया था, और पानी में गिरने के बाद में किसी कटे हुए पहाड़ के नीचे जहां पे बहुत बड़ा पिलर है, और जेल में बंद कर दिया गया इसको। बंदर को जेल में बंद किया किसी ने, इसकी मौत आई है। ओ भाई साहब ये कौन सी लोकेशन है, कहीं गेम सेव करने की लोकेशन नियर बाई है। अबे ये चूहे ना ऊपर वाले बड़े तंग करते हैं यार। वैसे सारा फुल है, ले लेते यार, फिर भी इससे विल ही काउंट होती है हमारी। अबे ये क्या हुआ, बंदर शैतान हो गया और सामने इतने बड़े बड़े जो किस चीज का पेड़ होते हैं इसे, शहतूत के पेड़। इनको मारा जा सकता है। ओए गायब हो गया, पीछे कोई है। उबे मारो इसको, मार दिया। मेरे जैसे बंदर ही, मतलब इनकी आंखों में लाल लाल, ये रोशनी किस तरह की है भाई। और भी आगे चलो हमला। ओए बंदर ही फेंक देने इच्छे लोगा, टंटा ही खत्म। वैसे ही अपनी आंखों से पकड़ भी सकते हैं किसी को। वापस जेल के अंदर छोड़ दिया इसको। और मेरे आंखों से वो रोशनी गायब हो गई है। हाँ तू आ पहले,
अभी फिलहाल वो लंबे लंबे प्राणी नहीं है यहाँ पे, जो पेड़ टाइप का था वो यहाँ से जा चुके हैं। गेम सेव करने का फीचर बिल्कुल सामने। इस जेल से निकलना यार जितना जल्दी जल्दी हो सके, क्योंकि क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे मटेरियल नहीं है इसके लिए भी। तो दिखा क्यों रहा है भाई। ओके अब और अच्छी डिफेंस होगा, मतलब असर सामने वाले का कम से कम होगा अपने ऊपर। तो मुझे लग रहा है ऊपर तक भी जाना। देखो ऊपर तक के ये लेयर बनी हुई है और ये कुछ घूमने वाला पिलर है। जब ये ज़्यादा तेज घूमता है तो कुछ ना कुछ हरकत होती है। वो फिर से ऊपर, ये तीर मारने वाला। फिर से धुंधलाहटपन आने लगी इसकी आंखों में और फिर से वो दो प्राणी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आ रहा है इधर, आने दो यार इसको। कम ऑन, एक और जोरदार हमला। गायब होएगा, गायब हो गया। उए मार दे। गिर जा, गिर जा। ये जो इन्होंने बल्ब से लगा रखे ना लैंटर्न वाले, इसी ने शायद मुझे पिछली बार पकड़ के और नीचे फेंक दिया था। मारो सालों को इसको। ओ माय गॉड, यहां के जितने भी थे सभी मार दिए। का तो सुअर बना दिया। ओ
तीर कमान वाला ऊपर से हमला करता हुआ। ओहो, साइड में भी जगह है जाने की। ऊपर आ जा, एक और है। उए। अरे वो भी नीचे गिर गया। एक मिनट, मुझे धुंधलाटपन फिर से आने लगी और ये तेज घूमने लगा है और मेरी हेल्थ भी कम होती है। जब जब ये तेज पिलर तेज घूमता है हेल्थ कम होने लगती है और पता नहीं ये भी शैतान बन जाता है। ये कहां से आया? मैं तो सामने वाले का इंतजार कर रहा था। इस रिंग के अंदर वाले दरवाजे के अंदर नहीं जा पा रहा हूं मैं। के ध्यान से पिलर, वो आगे वाला मुझ पे हमला भी कर रहा है। नाइस, पीछे वाले सारे बंदे मैंने मार दिए, इस तरफ के बचे हैं। ये रहा एक सामने। ताकतवर लग रहा थोड़ा सा। ओहो, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? Oh.
अरे ऊपर जाने का रास्ता। ओके मुझे लग रहा है मुझे ऊपर ही बढ़ना है भाई। इस ऊपर से होते होते मुझे ये जो जेल का एक तरह से भूल भुलैया है इसको पार करना पड़ेगा। और गेम सेव करने का फीचर आगे है जिसके लिए एक भाई साहब भी हैं आगे, इनको मरना होगा। फिर से धुंधलाटपन हो रही है और ये बन गया फिर से शैतान। शैतान बनने से इसमें ताकत कुछ ज्यादा आ जाती है। सबसे अच्छी बात है कि आप शैतान बन के गेम को सेव भी कर सकते हैं। इन बंदों को मैं जब भी मार रहा हूं मुझे एक पॉइंट मिल रहा है एक्स्ट्रा, ये तो अच्छी बात है। एक मिनट, मुझे कुछ एक चीज दिखाई दी थी इधर। ओ माय गॉड, नीचे कोई है। ओके काम करते हैं, इस वीडियो में इतने रखते हैं। हम लोग नीचे जो भी है उसको मारेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।